यार बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.4 के जो शेष बचे प्रश्न है उन्हें हल करेंगे। हमारा जो प्रश्न एक्सरसाइज 2.4 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 ये अभी बचा हुआ था, आज हम इसे समझेंगे और इसमें भी हमें गुणनखंड ही ज्ञात करना है। तो नंबर एक है इसका x³ - 2x² - 2x² - x + 2, ये हमारे पास में दिया गया है और हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक तरह से जमा जमाया है, हमारा सलूशन चालू हो गया है, यहीं से आपको करना है, प्रश्न आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे हल शुरू कर दिया है, x³ - 2x² - x + 2। इसमें दो समूह बना लिए हमने, इन दोनों समूह में से हम देखेंगे कि कौन राशि कॉमन है, कौन सी राशि कॉमन है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर को कॉमन लिया जा सकता है। जैसे ही हम एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास में एक्स बचेगा और यहाँ से टू बचेगा, ये एक्स स्क्वेयर कॉमन है, यानी कि तीन में से दो कॉमन है, एक बच जाएंगे, माइनस के टू बच जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वेयर कॉमन है। इधर की साइड में हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक्स है, इसमें टू है, कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो कॉमन हो, तब हम क्या करेंगे, इसमें से एक कॉमन लेंगे। तो एक कॉमन लेने पर एक्स माइनस टू, माइनस प्लस माइनस टू। और इन गुणनखंडों में विशेष रूप से याद रखना है कि जो भी हम कॉमन लेते हैं उसके बाद में जो ब्रैकेट होते हैं, कोष्ठक बनते हैं, वो समान बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो समान कोष्ठक बने हैं उन्हें हम गुणनखंड करेंगे और एक गुणनखंड आ जाएगा x माइनस टू, कॉमन लेंगे इसको, तो क्या बचा आपके पास में एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे उत्तर खत्म हो जाता यदि यहाँ पे ये स्क्वेयर नहीं होता और एक नहीं होता। अब यहाँ पे एक है इसलिए हम एक का स्क्वेयर, एक हम जानते हैं कि एक का वर्ग एक ही होता है, एक का एक में गुणा करने पर एक ही प्राप्त होता है, तो इसलिए ये हमारे पास में आएंगे एक स्क्वेयर। ये फार्मूला बन गया हमारा, हमारा फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये सब अपने पहले पढ़ चुके हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस प्रकार से ये फार्मूला है, इसको इसमें उपयोग करेंगे। एक्स माइनस टू ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वन, स्क्वेयर नहीं लगाना है क्योंकि ये स्क्वेयर रूप में था, हमें इसको हल करके इस रूप में बदलना है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये तीन गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। और मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि यदि किसी बहुपद में घात सबसे बड़ी घात तीन है तो हमें तीन गुणनखंड प्राप्त होते हैं, इसी तरह से यदि घात केवल दो होती तो हमें केवल दो गुणनखंड प्राप्त होते इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें भी हमें गुणनखंड ही ज्ञात करना है और इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, x³ - 9x - 5, ये हमारा गुणनखंड है। अब सवाल है, इसमें आप जैसा हमने इसके पहले वाला सवाल किया ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये पहले ले लिया और ये बाद में ले लिया और डायरेक्ट चल गया, तो क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर को कॉमन लिया जा सकता है, एक्स माइनस तीन बचेगा, लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो हमारे सेम ब्रैकेट्स कोष्ठक नहीं आएंगे, समान कोष्ठक नहीं आएंगे, तब हमें इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास में जो आखिरी है अचर राशि 5, इसके 5 के हम फैक्टर करेंगे, 5 के गुणनखंड, तो 5 के गुणनखंड हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक तो एक होता है क्योंकि 5 के 1 के पहाड़े में 5 आते हैं, तो प्लस माइनस एक हो सकता है, और 5 जो है केवल 5 के पहाड़े में जाते हैं, यानी कि प्लस के 5 हो सकते हैं या माइनस के 5 भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए, किसके, 5 के। अब हमें इसको हल करके देखना है कि यदि x प्लस 1 अगर गुणनखंड है इसका तो इसका मान शून्य आना चाहिए, यदि माइनस का 1 होगा तो इसका मान पूरा शून्य आना चाहिए, तो अब कैसा आ रहा है देखते हम।
मान लेते हैं कि x प्लस वन है, तो x प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये माइनस वन x का मान जो है उसमें ऊपर में रखने पर, मान रखने पर x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव में x का मान माइनस एक रखने पर, माइनस एक क्यूब माइनस एक का स्क्वेयर माइनस एक माइनस पांच, माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वेयर माइनस नाइन माइनस वन और माइनस के फाइव, ये मान रखिए। माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होगा क्योंकि तीन बार लिखेंगे माइनस बचेगा, माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वेयर प्लस का वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नौ एकम नौ माइनस के माइनस वन माइनस तीन एकम तीन प्लस के नौ माइनस के पाँच, प्लस के नौ है और माइनस एक और माइनस पाँच और माइनस तीन, तीनों चारों तीनों को जोड़ देते हैं, माइनस एक और माइनस तीन माइनस के चार माइनस चार और माइनस पाँच मिलकर के माइनस के नौ, बराबर कितने आए जीरो। अगर x प्लस वन से हमें जीरो प्राप्त हो रहा है यानी कि x प्लस वन इसका एक गुणनखंड है, तो अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये x प्लस वन आया है यानी कि हमें इसमें से एक गुणनखंड x प्लस वन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करते हैं, अतः x क्यूब माइनस, अब इसमें इस प्रकार से इसको हल करके सेट करना है कि हमारे पास में ये संख्याएं x प्लस वन के रूप में प्राप्त होती जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस प्लस x स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक में से चार को माइनस करेंगे तो माइनस के तीन बचेंगे, ये माइनस के तीन। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स, ये माइनस फोर और माइनस फाइव किसके लिए, ये नौ के लिए, क्यों, क्योंकि नौ है चार और पांच मिलकर के माइनस के नौ बनाएंगे और ये माइनस के पांच है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों करा, तो हमने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया कि हमें एक्स प्लस वन प्राप्त हो, और x प्लस वन प्राप्त करने के लिए हमने इसके फैक्टर इस प्रकार से किए हैं कि हमें इस ग्रुप में x प्लस वन मिलने लगे। देखिए आप कैसे मिलेंगे, पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में, ठीक है। पहले में आप देखेंगे x दोनों में है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास में, x प्लस वन स्क्वायर है कॉमन ले लेंगे, देखो क्या आया x प्लस वन। इसी प्रकार से अब की बार हमने माइनस फोर एक्स कॉमन ले लिया, फोर एक्स स्क्वायर है, इसमें से भी एक लिया जा सकता है, इसमें से भी क्या बचेगा आपके पास में, x प्लस वन, माइनस माइनस प्लस फोर एक्स कॉमन है वन। इसी प्रकार से इसमें फाइव दोनों में है, फाइव कॉमन, क्या बचा आपके पास में, x माइनस माइनस प्लस वन, देख लीजिए आगे तीनों में x प्लस वन, ये x प्लस वन इस प्रकार से हल करना। अब x प्लस वन को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये बन जाएंगे। अभी हमारे पास में पूर्ण गुणनखंड नहीं मिले हैं, अभी केवल एक ही गुणनखंड मिला है x प्लस वन, अभी ये बाकी है पूरे, इसमें से हमें दो गुणनखंड मिलेंगे क्योंकि इसकी घात दो है, तो हमें इसको हल करना है। x प्लस वन ये सही रहेगा, इसके हम गुणनखंड करते हैं, हम पांच के गुणनखंड करते हैं, पांच हमारे पास में है, पांच के ही पाड़े में आता है, पांच एकम पांच, पांच में से एक घटाओगे तो आपके पास में मिलेंगे चार, होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस पांच एक्स माइनस एक्स एक एक्स माइनस पांच, इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स प्लस वन साथ में चलेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस पाँच एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स या एक एक्स माइनस पाँच, एक्स प्लस वन ये समूह बनाया, पहले समूह में से एक्स कॉमन तो बचा एक्स माइनस पाँच प्लस दूसरे समूह में से एक कॉमन, इधर से बचेगा एक्स माइनस पाँच, हो गया।
और x प्लस वन ये वाला x माइनस पांच कॉमन, तो x माइनस पांच, अब बचे क्या है आपके पास में x प्लस वन, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस वन का दो बारेंगे तो स्क्वायर, और ये x माइनस, तो ये इस प्रकार से ये गुणनफल का जो सवाल था ये इतना लंबा होगा वो ऐसे चला है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर थ्री कर सकते हैं, इसमें भी आपको 20 है तो 20 के गुणनफल ऐसे करना पड़ेंगे और करने के बाद में आपको इस प्रकार से पूरा हल करना पड़ेगा, है ना। तो आपको मैं केवल इसके फैक्टर करके बता दूं, उसके बाद का सवाल आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव का तीसरा, तीसरे में है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले 20 के फैक्टर करेंगे, 20 के हम गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 20 जो है एक में आता है, 20 जो है वो दो में भी आता है, 20 जो है वो चार में आता है, 20 पांच में आता है, और फिर 20 10 में आते हैं, और इसी प्रकार से फिर लास्ट में किस में आएगी, इस प्रकार से ये गुणनफल है। अब इसमें से कौन सा लागू होगा वो हमें इसको हल करके बताना पड़ेगा, जैसे अभी किया था। तो मान लेते हैं कि शुरुआत यहीं से करते हैं, माना x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x ये सब रफ कार्य में कर सकते हैं ये काम, और जो हमें लागू हो वो यहाँ पे लिख देंगे, बाकी सब हटा देंगे। तो जैसे x प्लस वन से शुरू करना है, तो x प्लस वन, तो x बराबर हो जाएगा अपना माइनस वन, ये मान हम इस समीकरण में रखते हैं, भूगोल में रखते हैं। तो x क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, मान रखा x में माइनस वन का होल क्यूब, थ्री माइनस वन स्क्वायर 32x माइनस के, और फिर प्लस 20, ये सब जगह पर माइनस के देख रहे हैं, माइनस का क्यूब माइनस प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस 32 से कम 32 और प्लस की कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं माइनस वन प्लस तीन एकम तीन, माइनस के 32 और प्लस में 20, 20 और 3 23 हो रहे हैं, और माइनस एक और माइनस 32 माइनस के 33 हो रहे हैं, जो कि जीरो नहीं हो सकते हैं, माइनस के 10 बच रहे हैं, जीरो नहीं है, मतलब कि ये एक गुणनखंड नहीं हो सकता है। 13x 13x है ये, 13 है ये, 13 ये हो जाएंगे, प्लस के 13 हैं और प्लस के 20 है तो 33, और माइनस के 1 है और माइनस के 32 है तो कितने हो गए 33, ये हो जाएंगे 0। ये गलती हो गई थी, 13 है ये 3 नहीं है, ये सुधार दिया हमने इस प्रकार से। अब ये 0 प्राप्त हो रहा है, यानी कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, और अब गुणनखंड है तो इसके फैक्टर करेंगे, बहुपद को जमाएंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस अब 13x जमाना है, x प्लस 1 आना चाहिए हमारे पास में, और वो कैसे आएंगे वो हम यहाँ पे हल करते हुए देखते जाएंगे, x स्क्वायर में कैसे लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 12x प्लस 20x प्लस 20। देखना x क्यूब ये 13x स्क्वायर है, तो हमने इसको 10 और 3 में बदल दिया,
फिर प्लस 32 एक्स है, तो 32 को हमने 12 और 20 से बदल दिया। 12 और 20 इसलिए कि 20 है, तो 20 से 20 आ जाएंगे। इधर हमने क्या लिया था, 3 और 12, तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। और इस प्रकार से x हमारे पास में प्राप्त हो जाएंगे 3 चौक 12। सही नहीं, एक बार फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, कैसे तब हम इसमें से 12 ले सकते हैं, है ना। अब यहां पे आएंगे आपके पास में 12x प्लस 20x और प्लस में 20। अब सही है, ये 20 से 20, ये 12 से 12 और ये x, ये इस प्रकार से फैक्टर हो जाएंगे। अब आप इसमें से दो समूह बन गए हैं, कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x स्क्वायर, इसमें से 12 और इसमें से 20 कॉमन लेंगे और पूरा सवाल को फिर ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। आपको ये कंप्लीट करना है, चौथा प्रश्न आप कर सकते हो, तो कर लेना है। धन्यवाद।